మాతేశ్వరీ కసిట్ ప్రజెంట్స్ लालाजी कहाँ ढूंढ रहे हो? आयु क्या हुआ? कुछ दिख गो? मुझे कुछ नहीं दिखा भाई। अब बेटा अनु बता, हरे खानदान में कोई और भी मूछ रखे? मूछ हैं तो सभी रखे। ऊपर को रखे या नीचे को? ऊपर रखे। नीचे को होगी कहा? लालाजी टाइम कहाँ होगो? आ टाइम तो मैं बताऊंगा तुझे। लालाजी ये 10 बजे के बाद नीचे को हो जाए। आज ही नहीं सिक्का तर दूंगा, न ये नीचे को हो न ऊपर को, तो मैं उड़ती चिड़िया का पर गिन दूं। दादाजी कहाँ कर रहे हो? तेरी मूछ तार के बराबर उसने नलकी में रखूंगा। अ कुत्ते की पूछ तो शुद्धि हुई नहीं, पर ही ना जरूर शुद्धि कर दूंगा। लाला जी ये ठीक ना है। अ डॉक्टर पकड़वा इसे। डॉक्टर जल्दी कर, और मेरा दबाव लग रहा है। हाथ न लगा दिया डॉक्टर। डॉक्टर अब पहुंच गया हो तो फिर मैं क्या करूं? मैं भगाया नमस्कार लाला जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अब बोल कैसे आया? कैसे आया? किराएदार लाया हूँ। क्या नाम है भाई इसका? इसी तक पूछ लो। आ क्या नाम है भाई तेरा? दुल्ली। दुल्ली? दुल्ली नहीं, दुल्ली। दुल्ली लाला जी तुम इतना झटका क्यों देते हो? प्यार से बोलना। दुल्ली। अ तू दुल्ली हो या बिल्ली? नू बता के काम करे। वो बात मैं नहीं बता सकता। ऐसा क्या काम है आप बता नहीं सकता? बस यूं समझ लो थारा जैसे का भला करूं। लाला जी किराएदार सही है, रख लो, वक्त बे वक्त काम आ जाएगा। लाला जी क्या सोच लगे? और जो मोहित हुआ तो चेक कर लो। छोड़ दे डॉक्टर, अम्मा असली है। अब बेटा दुल्ली हम इस जगह कमरा दे। लाला जी यू तुमने क्या करा? कमरा किराए पर नहीं देना के? कर लिया चेक। अब हंसी रहोगी? तूने बात ही ऐसी बताई, क्या नाम था उसका? दुल्ली। चुप करो, यहाँ वैसे दिमाग खराब हो रहा। कैसे करी तेरे पापा ने? मुझे न जाना तुम्हारे साथ। ओए वाए गुरु, ओ कुड़िये की कर दी है, तनु दिखता नहीं है, सीधे आके टकरा जाती है। तुझे ना दिखता, तेरे दीदे फूट रहे, चला रहा हाथी की तरह। ओ कुड़िये ठंड रख ठंड, सानू की कहती है? कहना ही था तो शेर कहती, चीता कहती, ये कहती, वो कहती, हाथी कह दिया। जा चला जा, पता ना आपके क्या कह दूंगी। ओ वाहे गुरु, सब दा भला करे। ओ सरदार जी, भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। ओ एलो जी, कर लो गल, साढ़े होते हुए दिमाग खराब हो जाए।
हम है जोगी प्यार के रोगी साडे नाल आएगी तभी तो ठीक होगी। क्या बकरा? ओए होए कभी बकरा कहंदी है कभी हाथी कहंदी है वाहेगुरु आज की होगा। तू मेरे मुंह मत लगे समझ गया? की कहा जी मुंह लग रिया? असी पैरी पहना तो सुना असी मुंह लग रिया नहीं सुना। मुंह से मुंह मिल गया क्या? मुंह से मुंह नहीं मुंह से चप्पल मिलेगी बताओ। ओ कुड़िये जरूर तेनु इश्क दा रोग लगदा है ये हाल तो जब ही होंदा है। ये बात तो सच्चे सरदार जी। ओ असी तो सरदार ही ऐसे वैसे हैं। ओ कुड़िये तू अपना दिल मेरे नाल जोड़ ले। जावे या पिटके जाएगा? अपना की है एलो जी हम है जोगी प्यार के रोगी असी तो सरदार ही दूजे किस्म के हैं। लाला जी के हाल चाल है? अयो तेरे साथ है? इभी तो मारी साथ है अरे थारी साथ रहा वै करेंगे। मारे साथ? हाँ इन्हें कमरा चा किराए पे और जो बात करनी वो कर लियो अरिब के बात सोच समझ के करियो मारी भी कुछ इज्जत है। तसल्ली ना करू अनु रख लू किसी को? ओ लाला जी तेनु तसल्ली करनी है कर लो असी तो सरदार ही ऐसे वैसे हैं। कैसे कैसे हैं? ओ मेरा मतलब है सरदार ओरिजिनल है समझ जाओ। अनु तो मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन दू। ओ तुसी चिड़िया के पर गिनो पांव गिनो उदी नोज गिनो मैनू की लोड़ पड़ दी। अच्छा तेरा नाम की है? ओ जी मेरा नाम है जोगी प्यार दा रोगी। प्यार का रोगी? अयो कैसा नाम है? ओ जी घर वाले प्यार से कहंदे हैं। वैसे मेरा नाम जोगिंदर सिंह फ्रॉम बटिंडा है। हैं अटिंडा है? ओ टिंडा नहीं बटिंडा। इस गांव में क्या करना आए हो? ओ जी सरकारी नौकर है तुम्हारे पिंड विच जो सरकारी अस्पताल है उत्ते कोई डॉक्टर है नहीं सी तो सरकार सानू उत्ते भेज देंदी है। लाला जी जो ये मंदिर धरे बड़ा अस्पताल है ना ये वहाँ है नवे डॉक्टर। अनु तो मैं समझ गया और के बच गया। आज की दाढ़ी मूछ लाला जी थारा दिमाग तो ठीक है ये सरदार है। अब 500 रुपए महीना लूंगा। ओ चंगी गल है जी मिल जाएंगे। असमान ना लाया वो समान भी आ जाएगा धीरे धीरे अभी तो सब अपना ही है जी। तुम ऊपर चलो मैं चाबी ले आऊं। ओ ठीक है जी। यू सरदार क्या कर रहा है? अयू अयू नया किराएदार आया। यू चुप। लाला जी कुछ मारी भी सोच लो हम भी काम के बंदे। अच्छा तो मेरी कुंडली में लिख रहा तम नहीं सुधरो लाला जी। ओ सत श्री अकाल जी फिर आ गया। डॉक्टर गया के गए वो ढोरों वाला ना आदमियों वाला। आदमी वाला कौन सा? वो सरदार। मुझे नहीं पता। अब मैं जा रहा हूँ दुकान का सामान लेन आ तू अपनी मम्मी को बुला के लिया। मेरी बस की ना है आ जाएगी अपने आप। अच्छा तो मैं चलूँ आ यहीं रहिए। यू मेरा घर है समझ गया? तू आड़ा घर है ऐ तो और भी चंगा है। चुप जाके ऊपर बैठ जा। ओए होए हम है जोगी प्यार के रोगी साडे नाल आएगी तभी तो ठीक होगी। ठीक तो मैं एक मिनट में कर दूंगी तुझे। ओए होए तू नहीं समझी असी तो सरदार ही जरा ऐसे वैसे हैं। मैं सब समझ रही हूँ क्यों मेरा हाथ उठावे? ओए होए तुसी गरम क्यों होंदे हो? हम की है चले जाने।
अनन मिला ले मुझसे, दो बातें कर ले यार। ओ जी तेनु की हुआ? ये गाना तुमने कहाँ सुना? ऐ तो जी मेरे यार मोहित ने सुनाया था। कहाँ है वो? मुझे बस एक बार उससे मिलवा दो। ओ जी क्यों नहीं जी, हम है जोगी प्यार के रोगी, साढ़े नाल आएगी जब तो ठीक होगी। बोलो कब मिलवाओगे जी? असी तो सरदारी जरा ऐसे वैसे हैं, अभी लो तुसी जरा आंख बंद करो, ओ करो तो सही। ओ आंख तो खोल लो जी। क्यों दे दिया ना झटका? असी तो सरदार ही ऐसे वैसे हैं। तो इसीलिए पंगा ले रहे थे? कसम से गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा कहाँ है? ओ आए गुरु, मेरा की होगा जी? वही होगा जो मैं चाहूंगी। जानी ना मैं जाना, ना तू जानी ना मैं जाना, दिल यहू 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 कर गया। ना मैं समझी ना तू समझा, दिल यहू 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 कर गया। ना तू जानी ना मैं जाना, ना तू जानी ना मैं जाना, यहू 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 कर गया। याहू 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 कर गया।
इस में को न्या मेरी खता ओए दिल सा कह तुझ पे है पिता ओए इस में को न्या मेरी खता दिल सा कह तुझ पे है पिता तेरी लगता हूँ लहरा कुड़ी तेरी लगता हूँ लहरा कुड़ी आए कैसी कैसी अदा ना तू जानी ना मैं जाना ना तू जानी ना मैं जाना दिल यहूं 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 कर गया चिड़िया का पड़ गिन दो कभी देखी भी है चिड़िया ध्यान से रोज ना देखता जाओ दवाई ले आओ क्यों खलो अमर चढ़ के तड़क
अच्छी फिर छींक दिया मर जाने ने, अब पता नहीं क्या होगा। सरदार जी सो रहे हो अब तक? अतू अतू सरदार कहाँ है? मैं तो सरदार हूँ। अच्छा अतू है सरदार? हाँ जी लाला जी, असी तो सरदार ही जरा ऐसे वैसे हैं। बताऊँ कैसा है तू? मोहित का बच्चा पहचान लिया तुमने? आई साहब जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? अब फिर आ गया शिकार। तू सरदार था? सरदार नहीं शिकार। ओ लाला जी मेरी बात तो सुनो, जब मैं कह रहा हूँ मैं मंजू के बगैर नहीं रह सकता तो मेरी शादी आप उसे क्यों नहीं कर देते? तेरे जैसे बेरूपिये को सौंप दूं अपनी छोरी। ओ लाला जी उसकी नहीं आई तो बदल रहा हूँ मैं भेस। तुम एक बार मारा ब्याह कर दो, मैं भेस तो क्या कपड़े भी नहीं बदलू। लाला जी एक बार करके देख लो। खराब है डॉक्टर, नूगा करके देख ले, यू भी कोई जागतू का खेल है ना। तो भुगतो ही। तू एक बारी तो पकड़वा दे, हम ऐसे मजल के रख दो। लाला जी तू अपना बुढ़ापा खराब करो। और तुम मुझे ही मानने है मुझे, और नूगे मैं छोटू। देख लो जमा के लाला। डॉक्टर साहब तुम्हें के साम सुन गया, अब पकड़ो इसे। मंजू मंजू जल्दी कर, जल्दी कर, हम चलेंगे यहाँ से। चाइजा पकड़ रहा, उसे नहीं पकड़ सका। हाँ मैं सोचू था उसे तुम पकड़ोगे, अच्छा मुझे पता होता मैं जान दूं था उसे। अच्छा जी नुके मैं छोड़ू ना, तो मैं उड़ती चिड़िया को पर गिन दूं। अजी लाला जी ठीक ठाक हो? बोल नहीं रहे, के बात है? क्या बोलूं बता। बोलना के, कमरा देना है किराए पे? कमरा ना है किराए पे। लाला ये शादी सुधा है, छेड़े ने लाया अब क्या? कोई भी हो अरब ना कमरा किराए पे। लाला जी क्यों आएगा उल्टा भेज रहे, इस तरह ना खतरा। अब पहला चेक तो कर लूं। कर लो पर इब के करियो जरा देख के, सेहत में जनन्नी भी आनू तो मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन दूं। अथरा के नाम है मियाँ जी? मेरा नाम है जी मुस्तफा। अपना नाम भी याद नहीं रहता, थोड़ा सा भूलने की बीमारी है। और तुम्हारी बेगम का क्या नाम है? मेरी बेगम कहाँ है? मेरी बेगम इसे भी भूल गया। अच्छा अच्छा बेगम, इसका नाम नूर जहाँ है। अके काम करो। काम तो लाला जी ढूंढ रहा हूँ। 500 रुपए महीना लूंगा। हाँ जी ये लो। सामान नहीं लाए? कमरा मिल गया है जी, अब जा रहा हूँ, अब सामान भी ले आऊंगा। अब तुम जा रहे हो? हाँ जी कल तक मैं सामान ले आऊंगा जी। और ये थारी बेगम? लाला जी तुम हो यहाँ, बेगम यहीं रहेगी, कल आ लूंगा मैं। ठीक है लाला जी, एक बार इधर आओ। लाला जी मेरी बेगम का ध्यान रखियो, इसको रात को चलने की बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि रात को दीवार कूद के भाग जाए। अरे तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, वैसे तो कोई दिक्कत ना? ना ना बगैर छेड़े कुछ नहीं कहेगी। ठीक है तुम फिक्र ना करो, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा तो मैं चलूं, सामान ले आऊं, कभी फिर बस निकट जा। अरे ऊपर तो चलो। बस लाला जी मैं जा रहा हूं और कल आऊंगा।
तुम ऊपर चलो, मैं चाबी लेकर आ रहा। फिर आ गया। Are you time, baby? Is it the doctor? What are you going to do? Ajini. आगी तो छोड़िया छोड़ के आना और वहीं लौटना पड़ेगा। अजो पेड़ के आगी तो ठीक है, मैं यहाँ लौट जाऊंगा। अभी भी तो अकेली ना छोड़ी जा, चोर आ जाएंगे। अनु तुम उड़ती चिड़िया के ऊपर गिन दू बेटी मंजू, अभी से ऊपर ले जा और वहीं सो जाइए। छोरी को क्यों परेशान करो, मैं घेर लूंगा खाट। दोनों रहेंगी तो आपस में बतड़ा भी लेंगी। जैसे तेरी मर्जी। ले जा बेटी, आराम से ले जाइयो, तंग ना करिए। उत्तरी की अरे क्या करूं अब। बेगम, रात कोई परेशानी तो ना हुई? नहीं जी। अम्मा कभी मंजू ने परेशान करी हो? नहीं जी। अब बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? चाय पिलाना पड़ेगा बुला के। चाय पी ली? नहीं जी। अब कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा।
अब पकौड़ी बनवा दूं तेरे लिए? नहीं जी। हर बात पे नहीं नहीं, आज किसी बात पे हाँ भी बोल दे। नहीं जी। मैं बुंगी हूँ। तो तू ले आ बुला के। से वो बोल मुझे। अरे चचा तो अब वही बात करेंगे। बात तो एक होगी। अब देख लिया जो मार दिया तो। सब पकड़वा देंगे। और मगर डॉक्टर और तू हाथ में लगा दिए। और तू बात सुन मेरी, इस पे लड़कू फेंक दे परे। बेगम ये तो पैंट पहन रही, अभी तो शिकार है डॉक्टर। अरे पकड़ ले मुझे, खींच लिया इसने। डॉक्टर साहब मुझे पकड़ लो। ओए तेरे समझा के देख ले लाला जी। बेटी तू रो मत, मेरे घर चल, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। उन्हों के बारे में तो तू सब जाने ही है, मैं थारी दोनों की शादी करवा दूंगा। थोड़ी सी मोहित का चक्कर खाम मखा खड़ तू मचा रख। अंकल जी अब तू कुछ मत बोल बेटी, मैं लाला जी से बात करूंगा, साथ में मोनू के लिए मान ही जा। अंकल जी नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मोनू अच्छा लड़का है बेटी, तुझे उसकी आदत भी पसंद है, बस देखा है तो ना बुला लूंगा उसे। मोहित में भी तो वही सारी आदतें हैं। मोनू ऐसे भेष बदलता ना फिरता। मोहित तो ये सब मेरे लिए कर रहा है। एक बार मोनू से मिल तो ले। ऐसा नहीं हो सकता अंकल जी, मैं मोहित के बिना नहीं जी सकती। तू समझती मुझे कुछ नहीं समझना। बेटी अगर तेरी ऐसी मर्जी है तो मैं एक बेर लाला जी से कर देखता हूँ, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आप कितने अच्छे हैं अंकल जी। अच्छा तो मेरा बेटा मोनू भी है बेटी, पर ठीक है जैसा तू चाहे। मंजू ठीक है भाभी? कहाँ ठीक है, वैसी ही है। मन ने तो समझाई भी बतेरी। यू सब उस बैरूपिया की वजह से हो रहा। मैं सोचू कहीं मिल जा तो उसका गला घोट दूं, मेरी फूल सी बच्ची का नाश कर दिया। लाला जी तुम ही मान जाओ, तुम्हें के चाहिए, थारी छोरी सुखी रहे। ये तुमने देख ही लिया कि कितना प्यार करे मंजू मोहित को। पैर पे राजा तुम्हें समझावे, पर तुम समझो जब ना। मुझे ना उसकी शक्ल भी अच्छी लगती, समझ गए? लाला जी समझो तुम, माँ बाप के चाहे, उनकी छोरी सुखी हो, लड़का कमाऊ हो, देखने में चौका हो, और तुम ही बताओ मोहित में के कमी है। सबसे बड़ी कमी यह है शंकर का गेर दिया उसने हम। और कैसे समझावे, तुम सुनो उसकी बात,
अपने बाप को लगता बात करता मारे थे, यूं क्या बात हुई? अबे नहीं नहीं भेज बदल के। खैर वो तो उसकी गलती है, बड़क बुद्धि है, पर वो करे भी के इससे ज्यादा भी कुछ हो सके। दादाजी तुम ही सोचो, जो तुम्हें इतनी बार चकमा दे सके और वो चाहता तो मंजू को बोलो लेना जाता भगा के। अछोरी का हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, इज्जत उछाड़ेगा मारी। दादाजी अगर उसे थारी इज्जत का ख्याल न होता ना, वो गधी का ले जाता मंजू को, और तुम देखते रह जाते। तो क्या करूं, उसके पल्ला बांध, न घर का पता न खानदान का पता, धक्का दे दूं, आंख मीच लूं, तभी बताओ। आंख मीचने की कौन कह रहा, खानदान का घर का पता मैं काल लूंगा। पूरी तसल्ली करो, कोई कमी हो तो हमें बता दियो। पर के नू कब तक रोकोगे ना, कुछ तो रहा लिखेगा। पर जाओ मैं कहाँ। भाभी यू मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे तो भरोसा होगा। मैं ना बोल रही बीच में, जैसे करेंगे कर लेंगे। ठीक है तुम अपनी दुकान खोल लो, छोरी को आराम करने दो, कल पता ले आऊंगा। नाथ साहब एक बात मेरी सुन लो, अगर अब को भेष बदल के आ गया मैं कतई नहीं मानू थारी बात। ठीक है लाला जी, जैसे थारी मर्जी। धर्मे ओ धर्मे, मारा धर्मे। मुझे क्या पता थारा कौन है धर्मे। इसी गांव में तो रहवे, ढोरो का डॉक्टर है। मैं गली में आ रहा था तो बता रहे थारे यहाँ रहवे। अच्छा डॉक्टर साहब को पूछ रहे। हाँ यही रहवे, तुम उसके बाप हो। हाँ हाँ हम दोनों बाप बेटे ही तो हैं। है कहाँ वो। वैसे लाला जी थारी बहुत बड़ाई करे वो। तो हम कहाँ है बड़ाई लाग, आओ आओ आओ। अतो यहाँ कहाँ बैठे तू, असिरा बैठ। डॉक्टर साहब जरा नीचे को आइयो। क्या हुआ लाला जी। अच्छा रे पिताजी आए। वहां तो आज लोग कोई ना आया, पिताजी कैसे आ गए। नीचे ही आ रहा हूँ। पहचान मैं सुखदेव। पहचान धर्म, पहचान मुझे, पहचान। कहें को आए तुम, मुझे ही बुला लेते। डॉक्टर साहब अब बहुत देर में पीछे ने हो जा जी। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन दे, तुम अपने पिताजी को नहीं पहचान रहे। हो जा लाला जी, ऐसा भी हो जा। अच्छा जी तुम बैठो। अच्छा बना ले थोड़ी सी, अब पकौड़ी भी तार ले। क्यों तकलीफ कर रहे हो लाला जी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मुके में छोड़ दूं। थारे एक छोरी भी तो है। धर्म बता रहा था वो ना दिख रही। अब बस क्या बताऊ, बीमार हो रही। बीमार तो ना थी। मेरा मतलब है बीमार कैसे होगी, देखते हैं। आओ। लाला जी मुझे कुछ ऊपरी हवा का असर लगता है। हमें तो पता नहीं कैसे करें। चिंता मत करो, ऐसे झपटों को तो मैं न्यू ही उतार दूं। जब धर्मा छोटा था तो इसके भी होए करे थे। देख लो तो कोशिश करके। साय ले आओ। पहले छोरी को देख लूं, जब पियेंगे ये बात होगी।
अचोरी का झपटा हो रहा, ये तार देंगे। तुम सब चल के वहाँ बैठो, मैं देखता हूँ। वहाँ कुछ खतरा? झपटा लिकड़ के भागेगा, किसी और के चिपट गया तो फिर नहीं जावे। भाभी तुम चली जाओ, सब मुझे के मरवाओ। ठीक है, हम बाहर बैठे और तुम तारो। इस बार मैं जाने के लिए नहीं आया, इस बार तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान पर क्यों ना खेलना पड़े। एकदम गुमसुम से हो गए, क्या बात है? झपटा कैसे उतरा है? कोई तकड़ा झपटा है? कुछ तो तकड़ा झपटा क्यों हो सके? अयो बात तो सही है, अनु तो मूर्ति चिड़िया के पर गिन दूं, देख लियो उतार ही देंगे झपटे को। तुम अंदर कैसे आए? डॉक्टर साहब का बाप बनकर। और उन्होंने मान लिया? प्यार के सामने तो भगवान भी झुक जाता है, फिर वो तो क्या? वो तो मेरे पापा है। पापा है? हाँ वो मेरे पापा हैं। ये सच है? तो तुम मोनू? अब बाहर चलना है, और अब तुम ठीक हो चुकी हो। तुम सामने हो तो मुझे क्या हो सकता है? अच्छा बाहर चलते हैं वरना। तुमने मेरी बच्ची ठीक कर दी, मैं थारा आसानियों कैसे चुकाऊंगा? थारा मारा किसने बाटे लाला जी? बेटी जा तू चाय बना के लिया और पकौड़ी भी बना के ले आइए। ताऊ आओ बैठो आओ। अजी इधर आओ ना। तू यहाँ कहे को आ गया? मैं यहाँ सारी बात कर रखी थी, और लाला जी नू कह रहे जो इनका भेस बदल कर आ गया ना, तब कतई ब्याह नहीं करूं। तो मुझे के पता यहाँ के चल रहा है? मेरे पे ना रह गया, आ गया मैं? ऐसा कर कर की चुपचाप दिखनी चाहिए, अरे यहाँ गड़बड़ ना हो। सो जा, मैं अपने कमरे में जाऊं। पिताजी तो गए अपने कमरे, पर उसने मिली लू।
जाकर देखे। सरदार कोई ऊपर से उतर कर आ रहा। पहले तू नू बता डॉक्टर तेरा बाप है अब तू डॉक्टर का बाप है। आज बता दे बेटा मैं लाला जी तक कुछ नहीं छुपाना चाहता। लाला जी यू मोहित है और यू मेरा बेटा है। मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी डॉक्टर, तूने मेरे साथ धोखा करा। मैंने धोखा नहीं दिया लाला जी। चुप। अब फिर क्या था यू? लाला जी यहाँ रहते रहते तुम लोगों से इतना प्यार होगा कि तुम्हें छोड़ कर जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। और इस मंजू बेटी ने तो इतनी सेवा करी कि मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। सोचा एक साल पीछे मैं रिटायर हो जाऊंगा, सोचा कि थारे बिना रह नहीं सकता। मंजू और मोहित की शादी हो जा तो मेरी जिंदगी सफल हो जा। तो ये रास्ता ढूंढा तन्ने? लाला जी मोहित तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं था। ये तो किसी शहर की लड़की से शादी करना चाहता था। ये मेरे कहने से यहाँ आ गया और मंजू से प्यार हो गया। अपने आप ही फैसला कर लिया तन्ने डॉक्टर? ये फैसला मेरा नहीं है लाला जी। मैंने भाभी से बात करी, भाभी बोली अगर मोहित मंजूत राज्य है तो हमें क्या ऐतराज है। लाला जी जो सच्चाई थी मैं बता दी, थोड़ी थारी है, थारी मर्जी है। अब जो तुम फैसला करोगे वही होगा।
मैंने फैसला कर लिया डॉक्टर, यह शादी नहीं हो सकती। तू अंदर चल। लाला जी एक बार और सोच लो। सोच रखी है। अंदर चलो, मुझे नहीं सुननी किसी की बात। चलो अंदर, तू तो मैं उड़ती चिड़िया का पर गिन दूं। बस बेटी बस, तेरी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। अच्छा भाभी राम राम, कहा सुना माफ करना लाला जी। अब कहाँ जाऊँ, दूर निकल के होंगे। देख लो एक बार जाकर। अनु के मिल जाएंगे वे। लाला जी मिलने को के हम दूर जा रहे थे। तुम तो ना थे। गए तो थे, फिर आगे घूम घाम के। तो आ जाओ फिर, तुम चिड़िया के ऊपर गिर दूँ। ना तू जानी ना मैं जाना, ना तू जानी ना मैं जाना, दिल यहू 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 कर गया। ना मैं समझी।